हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। मैंने आपको बताया था, हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कर लिया था, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था मैकेनिकल कंप्यूटर्स, देन उससे पहले नैपियर बोन्स पढ़ी थी, हिप्पोकस पढ़े थे, चार्ल्स बाबेज के इंजन्स पढ़े थे, पंच कार्ड मशीन्स पढ़ी थी। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। पहला डिजिटल कंप्यूटर हमारा कौन सा था? मार्क वन, जो 1944 में डेवलप किया गया था। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था एंड उसमें था क्या, इट कुड एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम दी पंच कार्ड्स, स्टोर देम इन मेमोरी एंड मेक कैलकुलेशंस, और इसको प्रोग्राम भी किया जा सकता था। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी था ये। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वॉज मार्क वन, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वॉज मार्क वन, और जिसमें पंच कार्ड्स यूज होते थे टू स्टोर देम इन मेमोरी। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास आया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास कौन सा आया था? ENIAC। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में ENIC की, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसको डेवलप कब किया गया था? ये डेवलप हुआ था 1947 में। इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, रजिस्टर्स यूज हो रखे थे, कैपेसिटर्स यूज हुए थे एंड स्विचेस, एंड इट वॉज मच फास्टर देन मार्क वन। ये मार्क वन से ज्यादा फास्टर था, दैट इज ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि पंच कार्ड मशीन कौन सी थी, ये बताओ आप, तो पंच कार्ड मशीन थी हरमन हॉलरिथ ने जो डिवाइस किया था, ठीक है, एक सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पंचिंग होल्स इन टू द कार्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा, ये पंच कार्ड मशीन बनाई थी। उसके बाद पहला डिजिटल कंप्यूटर आया, जिसको हम मार्क वन भी बोलते हैं। 1944 में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आया हमारे पास। इसमें क्या यूज हुआ था? इसमें पंच कार्ड यूज हुए थे, स्टोर देम इन मेमोरी एंड मेक कैलकुलेशन। देन उसके बाद आया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा था हमारे पास? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर, पहला कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर कौन सा आया? ये हमारा फिफ्थ था। देन सिक्स्थ वन इज फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कौन सा था हमारे पास? फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड हुआ हमारे पास यूनिवैक, UNIVAC। फुल फॉर्म क्या थी इसकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल, ठीक है, UNIV से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, एंड इट वॉज डेवलप्ड इन 1951। सबसे ज्यादा कमर्शियल स्केल पे ये जब कंप्यूटर बने थे तो वो बने थे यूनिवैक 1951 में। इसमें किस चीज का यूज हुआ था? इसमें यूज हुआ था मैग्नेटिक टेप्स का फॉर इनपुट एंड आउटपुट डाटा, इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए मैग्नेटिक डाटा का यूज हुआ। देन अब हम आगे पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें कितनी जनरेशन थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये सारी जनरेशन अब हम करने वाले हैं, और इस वीडियो में मैं लेने वाली हूँ आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स, एकाउस्टिक मेमोरीज, CRT मेमोरीज। सॉफ्टवेयर का यूज हुआ था, सॉफ्टवेयर मशीन लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी। कितने नंबर ऑफ यूजर्स इसको यूज कर सकते थे? एक। नंबर ऑफ इनपुट्स, जो नेचर ऑफ इनपुट्स जो था इसका, वो क्या था? टॉन टेप्स की हेल्प से इनपुट दिया जाता था। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग जो थी वो थी सीरियल। कैलकुलेशन स्पीड जो थी वो मिली सेकेंड्स में थी, राइट। तो ये 5000 एडिशंस पर सेकेंड कर सकता था, और 350 मल्टीप्लिकेशंस पर सेकेंड ये जो है कंप्यूटर कर सकता था।
रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर्स कौन कौन से थे इसके? यूनिवैग 1, आईबीएम 650, एनवैग। ठीक है, ENVAC, एनवैग। तो अब हम करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, दूसरा मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो मैं ये जल्दी से इसमें कवर अप करा देती हूँ आपको, ऑल दो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज हुई थी वो हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, एकॉस्टिक मेमोरीज और सीआरटी मेमोरीज। अब क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स जो होती हैं, यहीं पर बना के दिखा देती हूँ मैं आपको कि इसको वैक्यूम ट्यूब नाम क्यों दिया, कि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई तो वैक्यूम ट्यूब क्या चीज से बनी होती है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो डायोड होता है, ठीक है। उसमें डायोड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। अब जब कैथोड और एनोड में पावर दी जाती है, जब इनको पावर लाइन से कनेक्ट किया जाता है तो इसमें पावर आती है। पावर आने के बाद क्या होता है, ये हीटअप हो जाता है। जब एनोड, ठीक है, समझना आपको क्या है, जब कैथोड आपका हीटअप हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। जब वैक्यूम में जो एनोड है वो कंपैरेटिवली जो ये आ रहे हैं उससे पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ इसमें। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, एक हीटर लगा होता है, ये पूरी एक वैक्यूम क्रिएट हुई होती है, यहाँ पर वैक्यूम होता है पूरा का पूरा। ये होता है आपका कैथोड, दिस इज कैथोड। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये होता है आपका एनोड, ठीक है। इन दोनों को हम पावर सप्लाई से सप्लाई देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये हीटर होता है, ये गर्म होता है, ये इसको क्या करता है, हीट सप्लाई करता है। इस तरीके से हीटर को भी पावर में लगाया होता है, देन यहाँ पर से हीट सप्लाई करेगा कैथोड को, कैथोड हीटअप हो जाएगा, ठीक है। कैथोड हीटअप हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने कहाँ पर, वैक्यूम में। वैक्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम में आएंगे ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दी एनोड, बिकॉज वैक्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑल राइट, वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिवली चार्ज या फिर आयन्स जो निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इनका चार्ज एनोड के चार्ज से कंपैरेटिवली कम होगा, तो एनोड इनके कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये टूवर्ड्स एनोड मूव करेंगे। अब हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट बोलते हैं, तो इस तरीके से जो है करंट आपका फ्लो करता है। यहाँ पर हमारा एमिटर लगा होता है, एक एमिटर क्या करता है, ये बताता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। तो ये एमिटर जो लगा होगा वो फ्लो की डायरेक्शन को बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ऑल राइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट भी बोलते हैं। अब डायोड जो होता है, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो डायोड में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें कई बार ट्रायोड भी लगा होता है जिसमें थ्री इलेक्ट्रोड होते हैं। थ्री इलेक्ट्रोड कौन से, एक तो कैथोड, एक एनोड और एक प्लेट। ऑल राइट, या फिर आप कह सकते हो एक ग्रिड हो गई। देन वी हैव एक टेट्रोड होगा आपके पास, जिसमें क्या क्या हो सकता है, चार इलेक्ट्रोड होते हैं टेट्रोड में, एनोड, कैथोड, ग्रिड और एक स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने आपको बस इतना सा ही बताना था कि ये किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब काम करती हैं, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो वैक्यूम ट्यूब्स होती क्या है। बिकॉज आपको ये तो पता है वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, पर वैक्यूम ट्यूब्स किस चीज़ से बनी होती हैं वो मैंने थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ देना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको इसमें क्या जानने की ज़रूरत है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और असेंबली लैंग्वेज। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए, देखिए, ये मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है, हमारे पास तीन तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या फिर हमारे पास तीन तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी,
सबसे पहली होती है हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरी होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब इन तीनों में फर्क क्या है, मशीन लेवल, असेंबली लेवल और हाई लैंग्वेज, इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, अब मैं कंप्यूटर से कुछ बात कर रही हूँ, ठीक है। हम अपनी भाषा में बात करते हैं एक दूसरे से, इसी तरीके से एक ऐसी लैंग्वेज भी होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है, जो कंप्यूटर समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज होती है 0101 01, सिर्फ ये पैटर्न नहीं है कि 01, ये लैंग्वेज होती है 1 और 0 की फॉर्म में। 1 और 0 क्या होते हैं? बिट्स होते हैं, ठीक है, इसकी फॉर्म में होती हैं। इनको कंपाइल करके बाइट्स बनाई जाती हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ये सिर्फ 0101 10 इसी की लैंग्वेज समझता है, ये और कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है, ठीक है। हमें कोई भी इनपुट देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि ऐड लिखो, ऐड 2 + 3, तो ये इस लैंग्वेज को समझेगा ही नहीं। ऐड 2 + 3 को, ऐड को कुछ ब्रेक करके 0101 10 10 कुछ करके कोई कोड होगा वो बनेगा, फिर 2 का कोई कोड बनेगा 001, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि ये 2 3 कैसे बनते हैं, 001 कैसे बनता है, 010 कैसे बनता है, ये भी हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सब आगे करेंगे हम। तो 3 का कोई कोड हो गया 010101, ये इस तरीके से जो है अपने कोड्स को समझता है आपका कंप्यूटर। और इस तरीके से ये इस लैंग्वेज में से ऐड 2 + 3 को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर इस लैंग्वेज को ये समझता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझे। दूसरी आती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, ये होती है मशीन लैंग्वेज से इजी। अब उसमें क्या हुआ कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी उसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज हो रहा था, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में ये थोड़ा सा इजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 को बोलना शुरू कर दिया ए, 11 को बोलना शुरू कर दिया हमने बी, 12 को बोलना शुरू कर दिया हमने सी। इस तरीके से हमने इसमें कुछ एब्रिविएशंस भी डाल दी, जैसे कि ऐड हो गया, ठीक है, इंट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, MLT हो गया, ये सारी थोड़ी सी जो होती हैं हमारे, हमने एब्रिविएशंस भी इसमें डाल दी थी, प्लस इसमें हमने कुछ सिंबल्स यूज करने शुरू कर दिए थे। तो उसकी वजह से हमारी असेंबली लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो गई। अब हम असेंबलर क्या काम करता है, अब मैंने बहुत पहले, अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको असेंबलर कराया था कि असेंबलर क्या काम करता है। ये आपकी जो असेंबली लैंग्वेज ये है, देखिए जो असेंबलर होता है, अब असेंबली लैंग्वेज को तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसको तो मशीन लैंग्वेज समझ आती है अपनी, राइट। तो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है आपका असेंबलर, और यही आपका असेंबलर मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है वो होती है मशीन लैंग्वेज। उसके बाद थोड़ी सी और उसमें एडिशंस एडिशंस हुई, उसमें सिंबल्स आए, एब्रिविएशंस आई, फिर बन गई हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं असेंबलर, ठीक है। उसके बाद आई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ये लैंग्वेज इंग्लिश की स्टेटमेंट की तरह होती है, सिंबल्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कोडिंग में करते हैं ना, सी, जावा, ये सब लैंग्वेज होती है, इनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐड कराना है 2 नंबर को, आई विल से इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, ए इज गुड और प्रिंट ए इज बैड।
ऑल राइट right. तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो ए गुड है, अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंट कर दो ए बैड है. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा. तो इस तरीके की लैंग्वेज को जो कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके की लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. अब ये लैंग्वेज हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा? बस मशीन लैंग्वेज. तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है कंपाइलर. जो कंपाइलर होता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया था. ये कंपाइलर क्या करता है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में. तो दो चीजें आपको याद रखनी है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले चीज असेंबलर, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, असेंबलर और एक होता है आपका कंपाइलर. ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ असेंबली लेवल लैंग्वेज. असेंबली लेवल या फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? असेंबलर. असेंबलर, ठीक है. मशीन को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास है असेंबलर. फिर है हमारे पास दूसरी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में क्या कन्वर्ट करता है इसको? कंपाइलर. दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है, असेंबलर से अगर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो कौन सा करेगा? असेंबलर. हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है तो कौन सा करेगा? कंपाइलर. आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको. अब नीचे चलते हैं. नीचे क्या लिखा है? नेचर ऑफ इनपुट्स. नेचर ऑफ इनपुट्स जो होता है इसका, ये होता है टॉर्न टेप्स. तो पुराने टाइम में आपने टेप्स देखी होंगी, राइट? जो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, जो डिस्क होती हैं, आपने आई एम श्योर कैसेट तो देखी होगी, उसके बीच में जो टेप्स लगी होती थी, तो उसी तरीके की टेप्स जो है यहाँ पर यूज होती थी, टॉर्न टेप्स जिसको बोला जाता है. ठीक है, आगे आप देखोगे कि सेकेंड जनरेशन जो थी उसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज होने लग गया. इसमें टॉर्न टेप्स का होता था और उसमें होना शुरू हो गया मैग्नेटिक टेप्स का यूज. अब मैग्नेटिक टेप्स क्या है या फिर टॉर्न टेप्स क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है हमारे पास. ठीक है, ये होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड पे ये काम करती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये होती किस तरीके से है मैग्नेटिक टेप्स? कुछ इस तरीके का पैटर्न रहता है. यहाँ पर कॉलम्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड. ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग चलती रहती है और ये आगे आगे घूमता रहता है आपका. दिस इज नोन एज रिकॉर्ड. यहाँ से पैरेलल लाइंस जा रही होती हैं आपकी. इस तरीके से मैग्नेटिक टेप्स कुछ होती हैं आपकी. ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक टेप्स बनी होती हैं. ये एल जो होता है ना, ये एल, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, कि कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है इसमें. तो दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ रिकॉर्ड और इन कॉलम्स को हम बोलते हैं रिकॉर्ड. तो जो डाटा जिस सीक्वेंस में स्टोर होता है उसी सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने कोई गाना स्टोर किया तो वो इस रिकॉर्ड में स्टोर हुआ. फिर मेरा दूसरा गाना आया, दूसरा पैराग्राफ आया, वो इस रिकॉर्ड में हुआ स्टोर. तीसरा पैरा आया, वो इस रिकॉर्ड में स्टोर हुआ. आपने देखा होगा जब मूवी चलती थी तो ये जो डिस्क होती थी वो इस तरीके से जो है आपकी चलती थी, है ना? एक टेप 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 घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, घूमती रहती थी. और यहाँ पर एक वो होता था जो इसको रीड करता था,
ठीक है। यहाँ पर एक डिवाइस होता था जो इसको रीड करता था। वो होता क्या था, बेसिकली एक रिकॉर्ड आया पहले, जिस रिकॉर्ड में यहाँ पर है, फिर जो नेक्स्ट चीज आनी है वो दूसरे रिकॉर्ड में, फिर तीसरी चीज तीसरे रिकॉर्ड में, चौथी चीज चौथे रिकॉर्ड में, और इस तरीके से करके एक एक करके एक एक करके यहाँ पर रिकॉर्ड आगे आते रहते थे। समझ में आ गया। और ये जो हमारा ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, नंबर ऑफ ट्रैक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है। अब हम कल करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और वो हमारे लिए करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा बिकॉज मैंने बेसिक चीज़ें इसमें से आपको बता दी हैं। ऑल राइट, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग ऑल ऑफ यू।